हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एमके एग्जाम प्रिपरेशन में। दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ साप्ताहिक करंट अफेयर 2020 का अवलोकन करेंगे, जिसमें हम लोग 16 से 22 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के टॉपिक्स को कवर करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के बटन को क्लिक कर दीजिएगा और मेरे नए वीडियोस के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन के बटन को भी क्लिक करके रखिएगा। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपने चैनल में अपलोड कर रखे हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने उन सभी वीडियोस को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप सभी उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीकली महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में एकल खिड़की प्रणाली सीजी आवास लागू किया गया? यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो दोस्तों आप लोग वीडियो को पॉज कीजिएगा और इसके आंसर कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा और लास्ट में काउंट कीजिएगा कि आप कितना सही और कितना गलत करते हैं। दोस्तों, इसमें मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर को ऐड किया है, ना कि कोरोना डाटा वगैरह को। दोस्तों, आप सभी इन क्वेश्चंस को टेस्ट सीरीज जैसा लगाइए और लास्ट में काउंट जरूर करिएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। इसका अच्छे से और डिटेल में देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ के आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा आवासीय कॉलोनियों के विकास की प्रक्रिया को सरलीकरण करने के लिए इस प्रणाली को विकसित किया गया है। इसके तहत भू व्यपवर्तन प्रमाण पत्र, अनुमोदित अभिन्यास, कॉलोनी विकास की अनुमति की स्वीकृति एकल खिड़की से प्राप्त हो सकेगी और सभी परेशानियों का समाधान 100 दिनों के अंदर हो सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की गई है? आपके ऑप्शन है, आपके यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं तो धान, मक्का और गन्ना के 19 लाख किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। धान के किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ अतिरिक्त दिया जा रहा है। 4 किस्तों में 57 करोड़ रुपए किसानों के खाते में सीधे पहुंचाए जाएंगे और इस साल के बजट में 57 करोड़ रुपए का इस योजना के लिए प्रावधान किया गया है। 355 रुपये समर्थन मूल्य से 250 करोड़ रुपए की गन्ना इस साल खरीदी गई है। 83.67 मिलियन टन धान के लिए 15,231 करोड़ का भुगतान किया गया है। और दोस्तों, याद रखिएगा, जो समर्थन मूल्य पर धान खरीदा गया था उसके अंतर की राशि को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत किसानों के खातों में 3 किस्तों में पहुंचाया जाएगा, जिसमें प्रथम किस्त में 1,500 करोड़ राशि को किसानों के खातों में डाला गया है। दोस्तों, याद रखिए, इसमें धान, मक्का और गन्ना फसल के किसानों को मुख्य रूप से शामिल किया गया है। और दोस्तों, इसमें प्रथम चरण में यह ऐलान किया गया है कि जो भूमिहीन कृषक मजदूर है उन्हें भी शामिल किया जाएगा, तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन है, 21 मई को छत्तीसगढ़ में किस दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आतंकवाद विरोधी दिवस। डिटेल में देखते हैं, इसका उद्देश्य आम जनता को हो रहे कष्टों तथा आतंकवाद एवं हिंसा से उन्हें दूर रखना है, विशेषकर युवाओं को। तो याद रखिए, 21 मई को प्रतिवर्ष आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ पुलिस ने कौन सी योजना की शुरुआत की है? यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोल मॉडल ऑफ छत्तीसगढ़ पुलिस, जिसमें 3 छत्तीसगढ़ पुलिस कर्मियों को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। डिटेल में देखते हैं, उत्कृष्ट कार्य करने वाले राज्य के पुलिस कर्मियों के लिए यह योजना शुरू की गई है, जिसमें 3 पुलिस कर्मियों को यह पुरस्कार दिया गया है। फिफ्थ क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा जारी ODF++ रिपोर्ट 2020 में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन दिया गया है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन ए सही आंसर आएगा। इसमें छत्तीसगढ़ को पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।
क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं। हाल ही में जारी गार्बेज फ्री सिटी में छत्तीसगढ़ के किस शहर को प्रथम स्थान मिला है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा अंबिकापुर। तो यहाँ देखिए दोस्तों, अंबिकापुर को इस रिपोर्ट में 5 स्टार प्राप्त हुआ है। डिटेल में देखते हैं, गार्बेज स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के नतीजों के मुताबिक राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंबिकापुर को 5 स्टार रेटिंग मिला है, जिसमें रायपुर को शामिल नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त बिलासपुर व रायगढ़ क्षेत्र भी इस सर्वेक्षण में शामिल किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ है, राज्य सरकार ने कितने करोड़ लघु वनोपज इमली की खरीदी वनवासियों से की है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, 10 करोड़, 20 करोड़, 5 करोड़ और 3 करोड़। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 करोड़। क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में असाक्षरों को साक्षर बनाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पढ़ना लिखना अभियान। छत्तीसगढ़ राज्य में असाक्षरों को साक्षर बनाने के लिए पढ़ना लिखना अभियान संचालित किया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत जितने भी आकांक्षी जिले हैं उन्हें टारगेट किया गया है। तो याद रखिए, किन्हें टारगेट किया गया है? तो आकांक्षी जिलों को, और छत्तीसगढ़ में आकांक्षी जिले कितने हैं? तो 10। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में पहला मिनी थिएटर खोला गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बस्तर। यहाँ पिक्चर में देखिए, नारायणपुर के ऊर्जा ब्लॉक में अबूझ माड़िया जनजातियों के लिए यह मिनी थिएटर खोला गया है। इसका मुख्य उद्देश्य अबूझ माड़िया जनजातियों को आधुनिकता व देश दुनिया में होने वाली गतिविधियों से अवगत कराना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, छत्तीसगढ़ के किस विभाग ने आई एम द वन कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्कूली शिक्षा विभाग। दोस्तों इससे पहले पढ़ाई तुम्हार द्वार स्कूली शिक्षा विभाग ने लॉन्च किया था, जिसमें आई एम द वन कार्यक्रम को भी शामिल किया गया है। देश के प्रसिद्ध कलाकारों और खिलाड़ियों के सहयोग से गया है इस कार्यक्रम को 20 लाख से अधिक बच्चे और 1,80,000 से अधिक शिक्षक इस कार्यक्रम से जुड़ गए हैं। आई एम द वन कार्यक्रम में आर्ट एवं क्राफ्ट, डांस, फोटोग्राफी, योग, मार्शल आर्ट के कोर्स शामिल हैं। तो याद रखिएगा, इसे पढ़ई तुम्हार द्वार में शामिल किया गया है। ये अलग से कोई योजना नहीं है, जो पहले से चल रही है उसी में शामिल किया गया है। और यह आपको कहाँ मिल पाएगी? तो cgschool.in पोर्टल में देखने को मिल पाएगी। लास्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार ने 25 मई को प्रत्येक वर्ष कौन से दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? ऑप्शन है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झीरम श्रद्धांजलि दिवस के रूप में 25 मई को छत्तीसगढ़ सरकार ने मनाए जाने की घोषणा की है। तो 25 मई 2013 को झीरम घाटी में नक्सलियों ने कांग्रेस नेताओं और उनकी सुरक्षा में तैनात जवानों पर हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। उन्हीं सभी नेताओं व जवानों के याद में 25 मई को झीरम घाटी श्रद्धांजलि दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाए जाने की घोषणा छत्तीसगढ़ सरकार ने की है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें, और जो मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा नेक्स्ट वीडियो को अपलोड पाने के लिए। इस लेक्चर को तैयार करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने छोटे भाई बहनों को जरूर शेयर करें जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।